बोलिए दुर्गा माता की जय। नवरात्रों में दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है, उनकी पूजा, उनकी उपासना, उनका व्रत किया जाता है। तो बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। दधाना कर पद्मा भयाम क्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की तारणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। उनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जपकी माला है। मां दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य के तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर समय बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौलेश्वर शिवजी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय हो, जय हो, जय हो।